और ब्रेन है ना क्लियर बिल्कुल और वाइट बॉल है थोड़ी सी मोटी है इसमें पर भी अदर्स इसे कहते हैं नेल्टन ब्रेन और साथ इसके हमेशा बैग लगा होता है कभी सक्शन नहीं लगा होता ठीक है और ये जो है ना फॉली की तरह है लेटेक्स इसका टेक्सचर है ठीक है और इसके साथ भी ये इसे कहते हैं टी ट्यूब और ये सी बी डी में डालते हैं टी शेप होती है इसके अंदर टी ट्यूब लगी हुई है ये टी ट्यूब है अच्छा फॉली की तरह है लेटेक्स इसका टेक्सचर है और ये टी ट्यूब है बेसिकली और ये सी बी डी में डालते हैं इसका जो एक जो आम होता है वो सी बी डी में होता है दूसरा ड्यूरियम में होता है और ये उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए होती है ठीक है इसको देर कुछ दिनों के रखेंगे फिर निकाल देंगे ये देखो साथ इसके भी बैग भी लगा हुआ है बैग लगा हुआ है ठीक है और हमेशा जब आपको कहेंगे ना कि ड्यूरियम का बताएँ तो आप किडनी किसी नहीं पकड़ना पेशेंट का वो इंजन एक्सपोज करें ठीक है ना ये वाली ग्रेन है ना इसमें ग्रीन कलर की लाइन आ रही है इसे कहते हैं हाँ मल्टी चैनल रेडी वेक ग्रेन ठीक है इसे कहते हैं ठीक है और इसके साथ ना सक्शन वाली बॉटल होती है अब देखो ना ये पतली इसका जो ल्यूमन है वो नैरो है तो साथ सक्शन ठीक है ना साथ सक्शन बॉटल सक्शन बॉटल में ये होता है ये जो कॉयल्स है ना अगर ये बिल्कुल दबे में है ना साथ अगर बहुत हार्ड है इसका मतलब है कि सक्शन मेंटेन्ड है लेकिन इसमें फिलहाल मेंटेन्ड नहीं है क्योंकि इसमें ये सॉफ्ट है ये खुला ठीक है तो हमें बताना चाहिए कि ये एक तो एटलीस्ट में पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है अगर ये ग्रीन कलर की है तो इसका नाम क्या है मल्टी चैनल रेडी वेक ब्रेन और साथ ही बॉटल सक्शन बॉटल है ठीक है सक्शन मेंटेन्ड है कि नहीं है ये पता होना चाहिए अगर कॉइल्ड बिल्कुल प्रेस्ड है और हार्ड है अभी तो ये है ना हार्ड नहीं है सॉफ्ट है अगर ये प्रेस्ड होगा ना वहाँ पे एक पेशेंट का प्रेस्ड है तो वो बहुत हार्ड है तो उसमें सक्शन मेंटेन्ड है सक्शन मेंटेन्ड है इसका मतलब है सक्शन मेंटेन्ड नहीं है हार्ड है तो मेंटेन्ड है हां और इसका मतलब है कि ये कहाँ से आ रहा है किसी मेश के ऊपर से आ रहा है या फिर सबक्यूटेनियस आ रहा है ठीक है ना सक्शन मेंटेन्ड नहीं है सक्शन मेंटेन नहीं है हाँ नहीं बल्कि पेल्विक क्या एब्डोमिनल कैविटी से आ रहा है सक्शन मेंटेन नहीं है सेक्शन मेंटेन जब होती है ना तब वो ओवर अ मेश या फिर सबक्यूटेनियस होती है ठीक इसमें नहीं है वैसे पता नहीं वैसे मैम ने तो बताया था लेकिन चलो इसका मतलब रेडी वेक नहीं है ये कोई और ड्रेन है रेडी वेक में हमेशा ग्रीन लाइन होती है और इसमें सक्शन मेंटेन्ड है क्योंकि इसमें कॉइल अब बहुत हार्ड है ये ठीक है तो ये कहाँ से आ रही हो सकती है ये आ रही हो सकती है मैच के ऊपर से या फिर अच्छा नेल्टन में ना जो ये वाला जो कलर जो जो भी स्ट्रक्चर है ये येलो हो सकते हैं ऑरेंज भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं तो क्या यानी कि बस कलर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं वहाँ पे भी आती है कलर की सिग्निफिकेंस नहीं है और ऑडिशन देख सको कहाँ से जा रही है इसका मतलब ये देखो ना ये जो इंसियन दिया हुआ है इंसियन कहाँ से आ रहा है यहाँ से इसका मतलब है कि इधर से आ रही है ट्रेन और इस इंसियन का मैम ने एक नाम बताया था यानी कि जो इस तरह से जा रहा है इसका नाम मैम ने क्या बताया था कॉकर्स इंसियन और ये ओपन पॉलीसिस्टेक्टोमी में होती है ठीक है ये एपिगैस्ट्रियम से लेके ना यहाँ तक आ जाएंगे दम्पर तक या फिर आर्लिक फोसा तक घुसेगी आर्लिक फोसा तक आ रहा है इंसियन यहाँ से शुरू हुआ एपिगैस्ट्रियम से और यहाँ पे आ रहा है हाँ नेल्टन और ये इंसियन है कॉकर्स इंसियन और ये ओपन पॉलीसिस्टेक्टोमी के लिए